नमस्ते दोस्तों, हिंदू पोस्ट में आप सबका स्वागत है। इस्लाम के प्रॉफिट की तस्वीर भी अगर कोई दिखा दे तो इस्लामिस्ट उपद्रवी उसकी गर्दन उतार देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि हिंदू देवियों की अश्लील पेंटिंग्स बनाने वाले मुस्लिम पेंटर MF हुसैन को हमारे सेक्युलर सरकार ने कई राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया था? इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल हिंदू पोस्ट के द्वारा हम हर सप्ताह हिंदू स्वार्थ से जुड़ी किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं। अगर आप हिंदू हैं, हिंदू स्वार्थ में जागरूक होना चाहते हैं और हिंदू जागरूकता को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिजनों से भी करवाएं। चलिए अभी आते हैं आज के विषय पर। बात करते हैं बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को मिल रही जानलेवा धमकियों की, और चर्चा करते हैं इस्लामिस्ट और लिबरल नेता, अभिनेता और पत्रकारों की हिपोक्रेसी के बारे में। हाल ही में हुए नूपुर शर्मा विवाद से हम सभी अवगत हैं। जिन्हें नहीं पता हो उन्हें बता दें कि टाइम्स नाउ में हुए ज्ञानवापी के डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने कहा कि अगर मुसलमान हिंदू भावनाओं का अपमान करेंगे तो हिंदुओं को भी यह करना होगा। इसी संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कई इस्लामी मान्यताओं के बारे में बताया, जिनमें उनका उड़ता हुआ घोड़ा और फ्लैट अर्थ थ्योरी की कहानी सबसे ज्यादा जानी पहचानी है। पर नूपुर यहीं पर नहीं रुकी। अब इसी बात से भड़क गए हैं इस्लामिस्ट, या यूं कहें कि हमेशा खून खराबा करने के लिए तत्पर रहने वाले इस्लामिस्ट उग्रपंथियों को भड़काया गया है। नूपुर का कहना है कि ऑल्ट न्यूज वाले जुबैर ने ही उनके खिलाफ इस्लामिस्ट को भड़काया है। उन्हें जानलेवा धमकियां आ रही है, उनके परिवार को भी खतरा है। खतरा सिर्फ जान का ही नहीं है बल्कि उनको रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं। उन्होंने कई धमकियां ट्विटर पर भी शेयर की और इस तरह दिखाया कि किस तरह से उनकी जान जोखिम में आ चुकी है एक ऐसी बात बोलने पर जो हिस्टोरियंस द्वारा ही साझा की गई है। इसके बाद यह हुआ कि हैदराबाद के मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी AIMIM के एक लीडर ने नूपुर के खिलाफ फतवा जारी किया। जो भी नूपुर शर्मा को मारेगा उसे AIMIM के लीडर की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अल्लाह की शान, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजाए मौत दी जाती है इस्लाम में। नूपुर शर्मा जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मैं इसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का बाउंटी रखता हूँ। पाकिस्तान से भी इस फतवे के लिए सपोर्ट आया है। भिखारी बन चुके पाकिस्तान, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल तक के पैसे नहीं, उन्होंने 50 लाख का सपोर्ट दिया है नूपुर शर्मा के कत्ल के फतवे को। नूपुर शर्मा के खिलाफ चल रहे इस्लामिस्ट हेट कैंपेन के चलते 3 जून को शाम के नमाज के बाद इस्लामिस्ट दंगाइयों ने कानपुर में स्टोन पेल्टिंग की और बहुत आतंक मचाया। यह उपद्रवी शायद यह भूल गए थे कि वह योगी आदित्यनाथ के राज्य में है और उनकी इन हरकतों को यहां पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस ने इन दंगाइयों की बहुत तबीयत से खबर ली, जिसके वीडियोज आपको सोशल मीडिया में तैरते हुए जरूर मिल जाएंगे। पर अभी भी नूपुर शर्मा के खिलाफ इस्लामिस्ट के हमले जारी हैं। जो इस्लामिस्ट पढ़े लिखे हैं वो ट्विटर पर उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, और जिनके हाथ में ट्विटर नहीं वो पत्थर का सहारा ले रहे हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ जहर उगलने वाले ये सारे इस्लामिस्ट वही लोग हैं जिन्होंने सालों से हिंदू धर्म, हिंदू भावनाओं और हिंदू भगवानों का जमकर अपमान किया। सबसे पहले बात करते हैं अरफा खानम सिद्दीकी की। यह वायर नाम की वेबसाइट की एडिटर हैं। जर्नलिज्म की आड़ में इन्होंने कई सालों से हिंदू घृणा फैलाई है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का कोई भी अवसर इन्होंने नहीं छोड़ा। अब इनके द्वारा किया गया यह ट्वीट देख लीजिए, जिसमें श्री कृष्ण को एक कार्टून के रूप में दिखाया जा रहा है। उनके हाथ में छड़ी है जिसे वह एक गरीब को उल्टा लटकाकर मार रहे हैं। इस घटिया कार्टून के जरिए इस मुस्लिम जर्नलिस्ट ने हिंदुओं के परम पूज्य श्री कृष्ण को सिर्फ एक हास्य का माध्यम ही नहीं बनाया, परंतु उनकी छवि को धूलित किया है और उन्हें दलित विरोधी भी बताया है। क्या उस वक्त किसी हिंदू ने इस मुस्लिम महिला के खिलाफ ऐसा जानलेवा मोर्चा निकाला था जो आज नूपुर शर्मा के खिलाफ निकाला जा रहा है? नहीं, क्योंकि ऐसे नीच हरकतें करना हिंदुओं के संस्कारों में ही नहीं है। हिंदुओं ने हमेशा ही धैर्य और सहिष्णुता का परिचय दिया, और हिंदुओं के इन्हीं सहजता का पूरा फायदा हर फील्ड में पनप रहे इस्लामिस्ट फैनेटिक्स ने और उनके हिंदू नामधारी समर्थकों ने लिया। पिछले दिनों ज्ञानवापी के वजू खाने से शिवलिंग के मिलने पर किस तरह से इस्लामिस्ट ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया और शिवलिंग के साथ जुड़ी भावनाओं का अपमान किया, वह तो हम अपने पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं।
यह जब हिंदू भगवानों का अपमान करते हैं तो यह इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, और इनके मजहब के बारे में कुछ भी बोलने पर यह चाहते हैं कि सच बोलने वाले को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। हिंदुओं के देवी देवताओं को सदियों से इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस देश के कानून में बस इसीलिए डाला गया कि कोई भी एंटी हिंदू मुंह उठाकर डंके की चोट पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सके। पीके मूवी में आमिर खान ने भगवान शिव को एक दुबला पतला कार्टून कैरेक्टर दिखाया और फिर टॉयलेट में उसे धर दबोचा, फिर खुले आम उसे दौड़ाया। याद तो होगा ही आपको, उस फिल्म में आमिर खान ने हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर्स वॉल पर चिपकाकर यह कहने की कोशिश की कि यह देवी देवता गायब हैं, मिसिंग हैं, अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते। आमिर खान के लिए हिंदू देवी देवता भारत भूमि से गायब हैं और वो खुद सरहदें पार करके किसी और देश में जाकर अपने धर्म की पूर्ति करते हैं। टीएमसी की बंगाली नेत्री और अभिनेत्री छायानी घोष ने भी कुछ सालों पहले शिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग के ऊपर कॉन्डोम वाली पिक्चर ट्विटर पर डाली थी, पर इसके लिए भी किसी हिंदू संस्था ने उन्हें जानलेवा धमकी नहीं दी, बल्कि इस दृष्टता से इम्प्रेस होकर ही शायद ममता बनर्जी ने उन्हें अपने पार्टी के टिकट पर लड़ने का न्योता दिया था। हिंदू देवी देवताओं का जो भी इस देश में अपमान करता है उसे इंटेलेक्चुअल शिरोमणि घोषित कर दिया जाता है, उसका अलग ही सम्मान सत्कार होता है, जैसा कि कुछ दिनों पहले मुनव्वर फारूकी का हुआ। खुद को हिंदू शेरनी समझने वाली कंगना रनावत ने माता सीता और भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कमेडियन को अपना वोट देकर अपने शो में जिताया। आज यही इस देश की सच्चाई हो चुकी है। अगर कोई इस्लाम के बारे में वह कटु सत्य कह दे जो खुद उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है तो उसके सर की कीमत लग जाती है बाजारों में, और अगर कोई हिंदू भावनाओं को आहत करे तो उसके सर पर सम्मान का ताज दे दिया जाता है। कहने को तो भारतवर्ष स्वतंत्र है और सेक्युलर है, पर कहीं ना कहीं भारत के सेक्युलरिज्म में आज भी औरंगजेब की ही आइडियोलॉजी छुपी हुई है। सोचा है इस बारे में आपने कभी? सोचिए, सोचने की आदत डालिए।